हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जेई एडवांस्ड 2021 में आई हुई फ्लूइड मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये पेपर वन का प्रॉब्लम 16 है। आइए पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट। एक सिलिंड्रिकल ट्यूब विद इट्स बेस As shown in the figure, is filled with water. It is moving down with a constant acceleration a along a fixed inclined plane with angle theta equal to 45 degree. P1 and P2 are pressures at point 1 and 2 respectively, located at the base of the tube. Let beta equal to P1 minus P2 upon rho GD, where rho is density of water, D is the inner diameter of the tube, and G is the acceleration due to gravity. Which of the following statement is are correct? And you can see the diagram. Beta equal to 0 when A equal to G by root 2. Beta greater than 0 when A equal to G by root 2. Beta equal to root 2 minus 1 by root 2 when A equal to G by 2. Beta equal to 1 by root 2 when A equal to G by 2. सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे इस प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। आप लोग ये जानते हैं कि अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पे है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, तब अगर कोई पॉइंट है वन और कोई पॉइंट है टू और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो एल है, तो P1 माइनस P2 हो जाता है रो जी एल। हम कहते हैं प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। फिर अगर ये कंटेनर एक्सलरेटेड है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तब मान लीजिए ये कोई पॉइंट टू है और ये कोई पॉइंट वन है, इनके बीच में हाइट का जो डिफरेंस है वो एल है, देन P1 माइनस P2 इज रो जी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एल। अब ध्यान से देखें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे नीचे की तरफ है और कंटेनर का जो एक्सेलरेशन है ए वो ऊपर की तरफ है। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कंटेनर के फ्रेम में काम किया जाए तो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है कंटेनर के ऊपर और किसी भी फ्लूइड एलिमेंट पर जिसका की मास है एम, दो फोर्सेज एक्ट करेंगी। नंबर वन विल बी एम जी एंड नंबर टू इट विल बी एम ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेयर एम ए विल बी द फोर्स। अब आप देख सकते हैं कि किसी भी फ्लूइड एलिमेंट पर नेट फोर्स क्या है, एम ए प्लस जी। और आप ये कह सकते हो कि इफेक्टिव जो फील्ड है वो ए प्लस जी की है। अकॉर्डिंगली P1 माइनस P2 इज रो जी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एल।
तो किसी भी डायरेक्शन में जो इफेक्टिव फील्ड है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो इफेक्टिव वैल्यू है उसी पर डिपेंड करेगा प्रेशर वेरिएशन किस रेट से होगा, ठीक है जी। और ये बात भी आप देख सकते हैं कि जो इफेक्टिव वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ए प्लस जी, तो उसके अलोंग ही प्रेशर बढ़ता है, ठीक है जी। अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। ये है कंटेनर, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये फ्लूइड का सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, और ये कंटेनर ए के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो अब अगर हम कंटेनर के फ्रेम में बैठ जाएं और किसी भी फ्लूइड एलिमेंट को देखें, तो इस फ्लूइड एलिमेंट पर फोर्सेज होंगी mg और ड्यूडो फोर्स ऐसे एक्ट करेगी ma। अब इन फोर्सेज के कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं इस तरह से, mg sin थीटा ma और mg cos थीटा, where mg sin theta है parallel to the inclined plane और mg cos theta है perpendicular to the inclined plane। तो अब होगा ये कि जो net force होगी एक along the inclined plane होगी, एक inclined plane के perpendicular होगी, एक हो जाएगी mg sin theta माइनस ए और एक हो जाएगी एम जी कॉस थीटा, ठीक है जी। तो अगर आप फील्ड की बात करें, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, तो एक आप कह सकते हो कि भाई पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन है उसकी वैल्यू है जी साइन थीटा माइनस ए, और एक नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन है उसकी वैल्यू जी कॉस थीटा है। अब जैसे कि जो दो पॉइंट आपको दे रखे हैं वन और टू, ये आपका पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है, और मान लीजिए वन और टू के बीच का सेपरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एल है, तो आप ये कहोगे कि भाई जो प्रेशर वेरिएशन होगा पी वन माइनस पी टू, ठीक है ना, वो कितना होगा रो जी साइन थीटा माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एल। अब इस गिवन प्रॉब्लम में थीटा का वैल्यू कितना है, इस गिवन प्रॉब्लम में थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो P1 माइनस P2 हो जाएगा रो G बाई रूट टू माइनस A मल्टीप्लाइड बाई L। अब L की वैल्यू क्या है, तो देखिए इस ट्रायंगल को आप देखिए, इसमें ये विड्थ d है, ये लेंथ l है और ये एंगल 45 है। क्लियर है कि l का वैल्यू d अपॉन साइन 45 डिग्री है और l का वैल्यू हो जाएगा रूट टू डी। तो आप ये कह सकते हो अब कि p1 माइनस p2 इज इक्वल टू रो g बाय रूट टू माइनस a मल्टीप्लाइड बाई रूट टू डी।
अब इसमें तो रो जी डी कॉमन ले लें तो पी वन माइनस पी टू विल बी रो जी डी वन माइनस रूट टू ए बाई जी. तो पी वन माइनस पी टू इज रो जी डी ब्रैकेट में वन माइनस रूट टू ए बाई जी. तो अब बीटा जो है पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी डी, इसका वैल्यू हो जाएगा वन माइनस रूट टू ए बाई जी, वन माइनस रूट टू ए बाई जी. ओके, अब जब ए का वैल्यू जी बाई रूट टू है तो इट इज वेरी क्लियर कि बीटा विल बी वन माइनस रूट टू इंटू वन बाई रूट टू, तो दैट विल बी जीरो. और अगर ए का वैल्यू है जी बाई टू देन बीटा विल बी वन माइनस रूट टू इंटू वन बाई टू, तो दैट इज वन माइनस वन बाई रूट टू, और ये हो जाएगा रूट टू माइनस वन बाई रूट टू. तो अब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हम ये पाते हैं कि वेन बीटा इक्वल टू जीरो वेन ए इक्वल टू जी बाई रूट टू देन बीटा इज जीरो, ऑप्शन ए इज करेक्ट. एंड वेन ए इक्वल टू जी बाई टू देन बीटा इज रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. तो इस गिवन प्रॉब्लम में जो करेक्ट ऑप्शन थे वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी. होप इस प्रॉब्लम को करने से आपका प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.